वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुंडली भाग्य में अब आप सबको देखने को मिलेगा कि अब शौर्य अपनी ऑफिस में अपना ही बॉस बनकर बैठा रहेगा। दूसरी तरफ यहां पर एंट्री होने वाली है राजवीर की, जो कि शौर्य का गुस्सा और भी बढ़ाने वाली है। साथ ही साथ आने वाले एपिसोड में अब यहां पर राजवीर को मिलने वाला है एक सबसे बड़ा मौका कि आखिर में करण को बर्बाद कैसे कर सकता है। और उसके साथ साथ आने वाले एपिसोड में अब यहां पर मिलने वाली है राजवीर से कोई और नहीं बल्कि यहां पर उसी की बड़ी बहन, जो कि उसको यहाँ पर गले लगाएगी। लेकिन क्यों और आखिर में यहाँ पर काव्या क्या राजवीर को पहचान पाएगी या फिर नहीं? और आने वाले एपिसोड में बहुत जल्द ही प्रीता से मिलते हुए नजर आएगी काव्या। अब काव्या की मुलाकात प्रीता से होगी तो क्या होगा? क्या काव्या पहचान पाएगी प्रीता को या फिर नहीं? और भी बहुत कुछ खास ऐसी बातें हैं जिसे जानना आप सबको काफी ज्यादा जरूरी है और आप सब जानना भी चाहते हैं, तो चलिए एक एक करके सारी बातें बताएंगे। उन सभी बातों को बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, अगर आप एक लाइक करोगे हमें एप्रिसिएशन मिलेगी और हम आपको ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आने वाले एपिसोड के बारे में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि राजवीर अब ऑफिस के लिए निकल चुका है। ऑफिस के लिए निकलेगा वो यहाँ पर प्रीता के आशीर्वाद लेगा और प्रीता भी यहाँ पर उसे आगे बढ़ने का आशीर्वाद देगी। और आने वाले एपिसोड में अब यहाँ पर सबसे पहले मुलाकात होने वाली है ऋषभ की और उसके साथ साथ यहाँ पर राजवीर की, जहाँ पर ऋषभ देखकर राजवीर को काफी ज्यादा खुश होगा और करण उसे खुशखबरी भी देगा कि आखिर में मैंने उसे हायर कर लिया है। और यहाँ पर करण मकसद नहीं बताएगा कि आखिर में राजवीर को क्यों हायर किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर एक बार फिर से मुलाकात होने वाली है यहाँ पर शौर्य और राजवीर की। शौर्य और राजवीर दोनों आमने सामने आएंगे लेकिन उन दोनों के बीच में अब यहाँ पर लड़ाइयाँ आगे ज्यादा बढ़ने वाली है। और यहाँ पर अब राजवीर को पूरी तरह से एक मौका मिल गया है शौर्य को और यूज करने का, वो भी यहाँ पर करण के खिलाफ। करण की कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए वो ये सबसे ज्यादा यहाँ पर कोशिश करते हुए नजर आएगा। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड सब देखने के लिए कमेंट करके जरूर बता देना। थैंक यू।